नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी। मैं आप सभी फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करना चाहूंगा फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर वन की एटीकेटी की एग्जाम कल से स्टार्ट हो रही है। 2 जुलाई से फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर वन एटीकेटी की जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो रही है। सुबह 8 बजे से जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैं आप सभी को बता दूं, सबसे पहले तो ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्होंने फर्स्ट ईयर बीकॉम में एडमिशन 2023 में लिया था, तो उनका जो पेपर पैटर्न होगा वो सेम उनका जो एक्सटर्नल पेपर हुआ था 50 मार्क्स का, 50 मार्क का, उसके जैसा ही पेपर पैटर्न रहेगा उनका। और 50 मार्क का उनका जो पेपर है वो रहेगा, और पासिंग मार्क्स के लिए उनको 36 मार्क्स लाने होंगे। और उन 36 मार्क्स में उनके जो इंटरनल के मार्क्स होंगे, 50 मार्क्स की जो उनकी इंटरनल हुई थी उसके भी मार्क्स ऐड होंगे। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मिलाकर 36 मार्क्स होने चाहिए, तब आप एटीकेटी के एग्जाम में पास हो जाओगे, और इंटरनल के मार्क्स भी काउंट होंगे। और साथ साथ में आपके जो लास्ट के 3 सब्जेक्ट है, तो वो 3 सब्जेक्ट का जो पेपर है वो 25 मार्क्स का होगा, और उसका जो 25 मार्क्स का इंटरनल हुआ था उसमें से आपने जितने मार्क्स कवर किए होंगे उसके भी मार्क्स आपके ऐड होंगे। और उसमें पास होने के लिए आपको 18 मार्क्स चाहिए 50 के अंदर से टोटल। तो ये था आपके लिए अपडेट फर्स्ट ईयर बीकॉम जिस बैच ने 2023 में एडमिशन लिया था। अब हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स के जिन्होंने 2022-2021 में एडमिशन लिया था या 2020 में एडमिशन लिया था, तो वो भी स्टूडेंट्स हैं कि जो एग्जाम देंगे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर वन एटीकेटी की। तो उनका जो पेपर स्टाइल रहेगा, पेपर पैटर्न रहेगा, उनका ऑल्ड पेपर पैटर्न रहेगा, और 70 मार्क्स का उनका जो एक्सटर्नल एग्जाम का पेपर होता है वो रहेगा। 4 क्वेश्चन उनके पूछे जाएंगे उनको, और 4 क्वेश्चन के और में भी दूसरे 4 क्वेश्चन होंगे, उनको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे। और जो टोटल मार्क्स है वो उनका जो है वो 70 मार्क्स का पेपर होगा। तो ये था ऑल स्टूडेंट्स के लिए जो लोग 2022 या 2021 या 2020 में जिन्होंने एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर बीकॉम के लिए। और एटीकेटी की जो एग्जाम है वो कल से स्टार्ट हो रही है, तो आप सभी लोग आपकी जो एग्जाम है वो देने जरूर जाना। और साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि टीवीआई में जाने के लिए फर्स्ट ईयर की एटीकेटी क्लियर होनी चाहिए, एक भी एटीकेटी नहीं होनी चाहिए। और ये एग्जाम जो है वो करीबन 8 जुलाई तक चलेगी या फिर 9 जुलाई तक चलेगी। उसके बाद में हम कोशिश करेंगे, एप्लीकेशन देंगे कि रिजल्ट जल्द से जल्द डिक्लेयर किया जाए, ताकि जिस भी स्टूडेंट्स की एटीकेटी रह गई है सेमेस्टर वन में वो क्लियर करके टीवाई में एडमिशन ले सके। तो ये थी अपडेट और ये था इंफॉर्मेशन। और साथ साथ में मैं आपको बता दूं सीटिंग अरेंजमेंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एग्जाम का हॉल टिकट आप देखना, हॉल टिकट में जो भी एग्जामिनेशन सेंटर लिखा हुआ है उसी एग्जाम वेन्यू पे एग्जाम देने जाना। और जो सीट नंबर है आपको कल सुबह आपके एग्जाम सेंटर से देखने को मिल जाएगा। कल सुबह 7:30 बजे हर एक एग्जामिनेशन सेंटर पर आपका जो सीट नंबर है वो लगा हुआ आपको मिल जाएगा। तो आप लोग हॉल टिकट की प्रिंट आउट निकलवा के कल एग्जाम देने जरूर जाना। नमस्ते।